कांग्रेस की आवाज, हर समाज का चहिता, आपके दिल की धड़कन। नमस्ते। यहाँ पर जो अभी पटाखे मार्केट में बैठे हैं, इस पटाखा मार्केट में ऐसी मंदवाड़ी आ रही है अभी GST के कारण, नोटबंदी के कारण बहुत सी मतलब यानी हमको तकलीफ हो रही है। कहीं यानी सुविधाएं नहीं मिलती है, ये होता है सभी चीज़ों में हम लोगों को बहुत नुकसान की यानी भारी मात्रा में पड़ रही है। यहाँ पर कहीं सुप्रीम कोर्ट आपसे भी मतलब ये कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब जो स्टे वगैरह आता है, ये इसी की वजह से हमें थोड़ी सी बहुत सी तकलीफ हो रही है। जहाँ हमें मतलब अंदवाड़ा आ रहा है, हमें यहाँ पर नुकसान भी बहुत अच्छा भारी मात्रा में मिल रहा है, करना पड़ रहा है, सहन कर रहे हैं हम लोग। क्या है करें, अभी दुकानदारी लेके बैठे हैं, कुछ थोड़ा बहुत जो भी होगा उसको देखेंगे। तो हमने बात की है सारडा जी से, सारडा जी ने बताया कि किस तरह से उनको SP का और नोटबंदी का और GST का जो असर है वो पटाखों पे देखने को मिला है। तो किस तरह से यहाँ पे अकोला के अंदर पटाखों की बिक्री एकदम से कम हो गई है। कल दिवाली है, लेकिन आप आज देख सकते हैं कि यहाँ पे दुकानों पे आपको गिराक नॉमिनल और कोई रौनक यहाँ पे नहीं दिख रही है। कहीं पर भी आप इधर भी देख सकते हैं, बिल्कुल 0% लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस तरीके से बाजार के ऊपर असर हुआ है, तो ये बहुत बड़ा असर कहा जाएगा पटाखा बिक्री के ऊपर लोगों के अंदर। इसके अंदर जो संवेदनाएँ जो बढ़ रही है उसको देखते हुए ये पटाखा बिक्री कम हुई है। ये हमारे बुजुर्ग लीलाधर सारडा जी है, इन्होंने बहुत सी दिवालियों के अंदर पटाखे यहाँ पे बेचे हैं और इन्हें दिवाली का बहुत अच्छा अनुभव है कि किस तरीके से बिक्री होती है और किस तरीके से यहाँ पे व्यापार होता है। तो आइए लीलाधर सारडा जी से बात करते हैं, बताइए सर आपकी राय। हमारे दिवाली के लिए ही सिर्फ पटाखों के मत बजाओ ऐसा है, मगर शादी ब्याह के अंदर बहुत सारे पटाखे फूटते हैं। इस पे कुछ, जबकि ये ऐसा समझिए कि परंपरा है दिवाली में पटाखे फोड़ना, आनंद से माँ लक्ष्मी को बुलाना, एक थोड़ा सा ये कुछ पटाखों के रोशनाई करना, एक थोड़ा सा एक ऐसा है। जैसे कि हमारे सारडा जी ने बताया है कि स्कूल के अंदर बच्चों की जो मानसिक उनका मानसिक बताया जा रहा है कि उनको दिमाग में ये डाला जा रहा है कि पटाखों की वजह से प्रदूषण होता है और ये सारी चीज़ें डाली जा रही है, तो उसकी वजह से भी इसके ऊपर असर हुआ है। तो अगर हमारे साथ में पटाखा दुकान के ऊपर जब हम SEC क्लब ग्राउंड के अंदर आए, तो यहाँ पे हमने दोस्त जो सनी लांडे साहब हैं इनसे बात की है, तो इन्होंने बहुत सारे पटाखे यहाँ पे खरीदे, तो जानते हैं इनको पटाखे सस्ते मिले या महंगे मिले। तो सनी जी बताइए आप। कहना है कि पिछले साल की जैसी गलती इस बार नहीं दिख रही है और बहुत नोटबंदी और GST का असर बता रहे हैं लांडे साहब यहाँ पे, और उनके दोस्त लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन करके यहाँ पे पटाखे खरीदे हैं। तो बात करेंगे उनके एक दूसरे दोस्त से, क्या नाम है सर अपना? साहिल मोहर भाई से बात करेंगे। तो बोलिए कि मोदी सरकार की पढ़ाई की वजह से ये सब इस पर असर हुआ है पटाखों में, तो बने रहिए। लांडे के पास में तो सभी जाते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चैनल उनके पास में जाते हैं, लेकिन कोई छोटे व्यापारी से उसकी हालत नहीं पूछता। तो आज हम छोटे व्यापारी, क्या नाम है सर आपका? बालकृष्ण पांडे जी, जो छोटा सा व्यापार करते हैं, ये पत्ते वगैरह और फूल वगैरह ये बेच रहे हैं यहाँ पे, तो इनसे इनकी राय, जैसा बिजनेस होना चाहिए तो वैसा ये बता रहे हैं, इनका बिजनेस नहीं हुआ है। नहीं हुआ सर, ऐसा बिजनेस नहीं हो रहा। आप कब से बैठे हैं? हम सवेरे से बैठे हैं, 300-400 रुपये धंधा आ गया। और दिवाली कल है, लोगों ने अभी तक खरीदी नहीं किया? नहीं नहीं नहीं। और बाहर गाँव के पेड़ों वगैरह के लोग आए क्या? ब्यूरे के आए हम सर। तो ये खेड़े से बेचने के लिए यहाँ पे आते हैं, जो यहाँ से 30 किलोमीटर पे खेड़ा है और वो गांव से 40 किलोमीटर गांव से यहाँ पे बेचने के लिए आते हैं, लेकिन अभी तक ये कहना चाह रहे हैं कि इनको 300 से 300 रुपए से ज़्यादा कमाई नहीं हुई, जबकि कल दिवाली है। तो क्या गरीब दिवाली मनाएंगे और क्या इसका असर ऐसे गरीब लोगों पर हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के ऊपर असर हो रहा है इसका। तो बने रहिए अंग्रेज की आवाज़ न्यूज़ के साथ। जो बहुत दिनों से, कई सालों से ये कपड़ा बेचते हैं गांधी रोड पे, हमेशा दिवाली के वक्त ये यहाँ पे दुकानें लगाते हैं, तो इनसे जानेंगे कि इनकी बिक्री ये साल में कैसी हुई। करके धंधा रहा, GST की वजह से नोटबंदी जो है तो पूरा धंधे पानी।
अभी तो गिराक नहीं है हमें, तो सही यहाँ पे क्या है गिराक के लिए इंतजार करना पड़ रहा हमको, तो गिराक के लिए इनको ये बता रहे कि इंतज़ार करना पड़ा, सवेरे से गिराक ही नहीं है और कल दिवाली है तो इनकी खरीदी भी अभी लोगों ने वैसी नहीं की। तो आप कहना चाहते हैं कि सवेरे से अभी तक आपकी बोली हुई या नहीं हुई? अरे बोली बोले तो आज दो घर को सवेरे से बैठे थे, बोली दो घर से सवेरे से ये बैठे थे, बोली इनकी दो घर के टाइम की हो रही। तो आप जान सकते हैं कि किस तरीके से असर पड़ा है, नोटबंदी का ये असर बता रहे हैं साहब और GST का इस पर असर बता रहे हैं, और दूसरा क्या ऐसा क्या लगता है आपको, कैसा क्या हुआ है कि इसके ऊपर असर पड़ा है? सरकार ने देश को पीछे लेके चली गई है, सरकार ने देश को पीछे लेके चली गई। कांग्रेस के राज में मजा था जो भी था, पब्लिक बहुत परेशान है बीजेपी की सरकार में। बने रहिए रंगरेज की आवाज़ को न्यूज़ के साथ। आहूजा फर्नीचर जो आकुले का जाना पहचाना नाम है, उसके हमारे आहूजा जी से बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय के पिछले साल के मुकाबले में ये साल उनके लिए कैसा गया। तो सर बताइए आपकी राय। पिछले साल की अपेक्षा लगभग 25% तक के मार्केट डाउन है ऐसा लग रहा है, गिराकी बहुत कम है वो हिसाब से, दो तीन दिन से सिर्फ गिराकी है। हमेशा जनरली 10 से 12 दिन गिराकी कंटिन्यू दिवाली की चलता, मार्केट नहीं चला है। तो इसके कारण आप किस चीज़ को मानेंगे? इसके बहुत सारे कारण हैं, एक्चुअली ये साल बारिश भी कम है तो क्राफ्ट भी लग रहा है बहुत कम है वो हिसाब से, प्लस नोटबंदी भी एक वजह हो सकती है। ओवरऑल मार्केट डाउन है, बाकी इसकी वजह बहुत सारे है, नोटबंदी है, बारिश कम है। जैसे कि सर का बोलना है नोटबंदी भी इसकी वजह हो सकती है, तो सर इसकी वजह आप GST को मानेंगे, जो लोगों के ऊपर जो टैक्स बढ़ा है उसके वजह से जो लोगों के ऊपर असर पड़ा है, ये ज़्यादा कई चीज़ों के भाव लग रहे हैं लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो या फर्नीचर हो, तो इसका भी असर पड़ा है GST का? नहीं नहीं, GST का इससे मैं नहीं मानता कोई कारण है, नोटबंदी भले हो सकता है, GST का इससे कोई पब्लिक में इसमें कोई इसका कोई मतलब प्राइस बढ़ने का कोई कारण नहीं है। GST पहले भी एक्साइज और वैट था उतना ही, अभी GST है, GST इसकी वजह नहीं हो सकती, बारिश हो गई या नोटबंदी मान सकते हो। तो जैसे कि आहूजा सर का कहना है कि बारिश और नोटबंदी इसका वजह हो सकती है, लेकिन GST की इसकी वजह नहीं मान सकते, क्योंकि पहले भी लोग टैक्स पे करते थे और ये सारी चीज़ों पे टैक्स लगता था। तो बने रहिए रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आहूजा जी हमारे से बात करने के लिए, थैंक यू।